रामानंद राम रस माता कहे कबीर हम कही कही। साथियों, काफी दिनों के बाद शायद आज कुछ समय मिला, दो मिनट आप लोगों को, फिर मैं याद आ रहा हूँ या याद दिला रहा हूँ। कहने का गरज मेरा ये है, ये दुनियादारी है, ठीक है। तो दुनियादारी क्यों है? यहाँ पर प्राणियों के एक जीने का संसाधन मात्र है। अब प्राणियों का भी विभक्तिकरण हुआ है, बहुत जाति के प्राणी हैं, सभी प्राणियों में भी स्थावर है, जंगम है, उद्भिज है, स्वेदज है। तो प्रायः ये देखा गया है कि अन्य प्रकृति के प्राणी वो है क्या, तो कर्म प्रधान भोग प्रधान है, लेकिन ये दो पैर वाला जो मानव है इसको ज्ञानी के श्रेणी में रखा गया, ये ज्ञान प्रधान योनि है। इसे इस संसार को भी जी जाग करके कुछ अपने ऊपर भी विवेक और साधना करने का इसके पास पर्याप्त साधन है, अधिकार नहीं है, मैं अधिकार नहीं कहता हूँ, जितने भी मनुष्यधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी, ऐसी कोई बात नहीं, हर एक प्राणी को यह अधिकार है। उन तमाम प्राणियों में आप एक सजग प्राणी है, इसलिए संसार को संपूर्ण जीने के लिए सीखना होगा। हमने कहा संपूर्ण जीने के लिए, कोई अधूरा तो नहीं जीता है, सब संपूर्ण जी के मरता है, लेकिन संपूर्ण मेरा कहने का ये मतलब है कि ये दुनिया केवल जीने जागने का ही साधन नहीं है, अपने को भी शांत और मुक्त होने का भी साधन है, ठीक है। तरह तरह के मत पथ एवं संप्रदाय हैं जो अपने अपने एक एक सिद्धांत बना रखे हैं, शायद वह सिद्धांत अधूरा हो सकता है। एक ऐसा सिद्धांत है, या इसको आप धर्म कह लीजिए, आपने सुना होगा 7 अरब की आबादी वाली इस देश में बहुत ऐसे धर्म हैं, और धर्म के आर में सत्ता चलाने वालों ने धर्म का ध्वजा अपने हाथों में थाम लिया है। वास्तविकता में धर्म हम उसे नहीं कहते हैं, धर्म कहते हैं आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है ठंडा करना। मानव का धर्म, धर्म का पर्यायवाची शब्द होता है उसका स्वभाव, उसका प्रकृति, नेचर, स्वभाव, उसी को हम धर्म कहते हैं। अगर इस आधार पे आप इसका खंडन करेंगे तो आपको तब समझ में आएगा कि मानव का स्वभाव परोपकारी होता है, तो परोपकार ही इसका धर्म है। एक प्रेम को जितना एक इंसान, वैसे तो सभी प्राणी अट्रैक्ट करता है, लेकिन गिनती एक आदमी की आती है, यहाँ एक उपकार का आदान प्रदान हो जाता है और इनकी चरित्र मंच पर सामने आ जाती है कि अमुक आदमी बहुत परोपकारी था। सिंह शेर अपने में वह क्या कह रहा होगा जाने दीजिए, उसकी भी एक समुदाय है, उसका भी एक समाज है, वह क्या कह रहा है उसकी भाषा हम और अपने, लेकिन मानव अपने आप में ख्याति को प्राप्त करने के लिए मानव के तमाम साधनों को, तमाम स्वभावों को अगर वह उचित चरित्र दे, इसीलिए मानव को कहा गया है ज्ञान प्रधान योनि। अच्छा, दूसरी बात है, और एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, गगन मंदिर में फूल एक फूला तरभो डार ऊपर भो मूला, ये एक कबीर का सूत्र है, और सूत्र का अर्थ बड़ा उल्टा है कि गगन मंदिर में फूल एक फूला, आसमान में एक फूल फूला, और तरभो डार, डारी डाल पात उसका नीचे है, ऊपर भो मूला। गगन मंदिर में फूल एक फूला, तरभो डार ऊपर भो मूला, फूल भल फूलल मलिन भल गाथल रहगो फूलवा भवर बिना। ये एकमात्र मानव का स्वरूप है। कहेंगे कैसे ये मानव का स्वरूप है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, आप कटहल का पेड़ रोपिए, जड़ उसका नीचे है, पानी उसका नीचे दीजिए, फल फूल ऊपर लगेगा। मानव का एक वृक्ष है, मानव का जल पानी खाद यहाँ दीजिए और इसका फल फूल नीचे लगता है, इसीलिए वृक्ष पर बैठी हुई चिड़िया हमेशा उड़ने में सक्षम है, लेकिन ये जो है उल्टा वृक्ष, इसमें बैठी हुई चिड़िया को उड़ने के लिए एक रास्ता ढूंढना पड़ता है, कहा है? तो इसका सब दरवाजा नीचे की ओर है, उल्टा है। अब मान लीजिए थोड़ी सी, एक हमारे बाजार में ट्रैक्टर पड़ती थी, 14 आदमी उसमें बैठा हुआ था,
एकदम घुटना भर पानी मात्र था, गड्ढे में ट्रैक्टर पलटी डाला ट्रेलर तो सब मर गया उसमें। अब सोच सकते हैं कि क्यों मर गया, क्योंकि सब उल्टा ना लटक गया था जी, उसमें तो ओना गया थोड़ा सा भी पानी, उसमें भी मर गया। बहुत अथाह पानी से भी लोग बच सकते हैं, लेकिन वहाँ पर है उल्टापन, उल्टा। तो यह हम जो अपने इस पिंजरे में उल्टे बंद हैं, इसलिए हमको ढूंढने में हमको तजुर्बा सीखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तजुर्बा तो सीखना पड़ेगा। हमने विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय एवं सिद्धांतों का नाम लिया है। एक तो कहावत में है जी, आसमान में कितने तारे हैं, इसका सटीक जवाब है तुम्हारे बदन में जितने रोए हैं। न ये रोए गिनेगा न तुम तारा गिनोगे। लेकिन सच में ये बकवास है कि रोए कितने हैं, कम बेसी सदगिरा इसकी संख्या निर्धारित नहीं होती है, किसी का घना किसी का पतला। लेकिन कहने का प्रयोजन मेरा ये है कि वह जो रुआ है, रुआ उगा कहाँ से, शरीर से ही ना। तो शरीर से उगा तो शरीर में उतना बड़ा सुराख तो बचा होगा जिससे रुआ निकला है। तो रुए के जड़ में तो एक सुराख है, उस सुराख का नाम है ब्रह्मरंध्र। ब्रह्म का रंध्र, ब्रह्म का दरवाजा, चाहे उसको पाने के लिए तुम जहाँ से पालो, ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को तो छोड़िए, ये धरती भी बहुत बड़ी है। मैं एक सिद्धांत आपके सामने लागू कर देता, लेकिन क्या ये सिद्धांत अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में लागू हो सकेगा? क्या एक तिब्बत में रहने वाले लोगों को 3 महीना के लिए राजस्थान के थार में भेज दीजिएगा, रह पाएगा? तो वह सिद्धांत किस काम का जो सिद्धांत सार्वभौम नहीं हो, वहाँ सिद्धांत लंगड़ा पड़ जाता है। इसीलिए हर एक रंध्र में ब्रह्म को आने और जाने का रास्ता है। रोटी गोल होती है, जहाँ से तोड़ो वहीं से वह स्टार्ट हो जाता है। कहने का भाव मेरा ये बवाने वाली बात नहीं है, बातें एकदम बहुत नज़दीक में है। ठीक है, ध्यान ध्यान मेडिटेशन सब पे आप लोग काफ़ी सुने हमें, करता भी है। अभी तो सुनते हैं बनारस में वो क्या है, स्वर वेद मंदिर में एक महा बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। एक महिला बोल रही थी मेरे क्लिनिक पे, 11,000 रुपया लगेगा एक कुंडी का, आप भी ले लीजिए ना। तो भाई हमके कुंडी क्या होता है, तो उस पर बैठ के यज्ञ करेगा। अब ये भी कोई बात है जी, यज्ञ उसको नहीं कहते हैं, यज्ञ कहते हैं साधना को, ध्यान योगेन। एक साधना ध्यान को करने को यज्ञ कहते हैं, घी तेल तिल जलाने को यज्ञ नहीं कहते हैं। वह परंपरा गया, वह जो अंध परंपरा था कि इंद्र बनने के लिए इतना दिन तपस्या और इतना बड़ा जग किया जाता है, वो सब पूरी बकवास निकली है इस वर्तमान के युग में। अभी वो नहीं है, अभी है क्या, आप संसार में जन्मे हैं, आप संसार को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, दोनों को टैली कीजिए, क्या दोनों मिलता है, दोनों मिलता है तो दोनों मिलके एक हो गया ना जी। जो नेचर है, नेचर के यदि आप अनुकूल हैं तो आप भी नेचर ना हैं। नेचर का अर्थ होता है प्रकृति, यदि आपकी कल्पना परमात्मा है तो उसी की ना ये कृति है, इसलिए ना इसका नाम प्रकृति है। प्रकृति जिसको आज लोग कह रहे हैं, इसी को कह रहा है प्रकृति, पहाड़ नदी नाला वृक्ष ये सब प्रकृति है नहीं, वाकई इस सब का नाम है विकृति। प्रकृति का अर्थ होता है जहाँ कोई गति ना हो, वह सुन्न हो, जिसमें कोई भी उद्बोधन न हो, प्रकृति उसका नाम है, जिसको हम मूल प्रकृति कहते हैं। अब उस मूल प्रकृति में ये जो दुनिया के 3 स्वभाव है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये है क्या चीज, यह एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है, अपने खाया आम फेंका, गुठली को गिरा, जमीन पे सरना शुरू हुआ, वही उसका तमोगुणी धर्म है। उसमें से एक अंकुर निकला, वह रजोगुणी धर्म है। वृक्ष अभी फल दे रहा है, उसका वह सतोगुणी रूप है। ये 3 गुण तो हमने तो एक उदाहरण नाम की गुठली का, अभी जिस टेबल पर बैठे हुए हैं, इस टेबल को भी बरही ने बनाया है। तो बरही जब इस टेबल को बना रहा था तो लकड़ी को छाट छाट के फेंक रहा था, दूर बर्बाद कर रहा था, इसका तमोगुण था। जब तक बन के तैयार हुआ तब तक वो यह रजोगुण में था। अभी जिस टेबल का हम सदुपयोग कर रहे हैं, यह इसका सतोगुण है। इन्हीं 3 गुणों में, 3 अवस्थाओं में तमाम सृष्टियाँ बंधी हुई है। अब तीनों को आपको जरूरी है अलग अलग परखने की। 9 मिनट 43 सेकंड, आगे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। यह तीनों गुण हर एक रोए में, हर एक कण कण में, हर एक तिल में, हर वस्तुओं में ये लागू है। तो यह तीनों गुण जब गति में है, कंपन में है, तो इसको विकृति कहते हैं।
जब यह त्रैगुण सम हो जाता है उसको हम प्रकृति कहते हैं। ये विकृति है, और यह जो साम्यावस्था धारणी बनेगी तो इसको मूल प्रकृति कहते हैं। ठीक है, तो उल्टा वापस जाने के लिए हम बिखरे हैं ना जी। अब उल्टा वापस आने के लिए यहाँ एक युक्ति लगानी पड़ेगी। बहुत अच्छा है, जब मैं यहाँ रहा तो सोचो वहाँ के भारी था, वहाँ जाकर देखा तो यह कुदरत रही हमारी थी। जोग किए क्या हुए, जो जुक्ति जाने नहीं, केती क्रोटी जोग रहे एक जुगुति के माही। पलटू पाए सहज में था सतगुरु के देर, यहाँ वहाँ कुछ था नहीं, अपने मन का फेर था शिव शक्ति को दूसर नहीं। अपने ते ही भिन्न लखा पर है माया के बिचे माही। पलटू पाया सहज में था सतगुरु के देर, यहाँ वहाँ कुछ था नहीं, अपने मन का फेर। अब सवाल है कि बिना मास्टर के विद्यार्थी पास नहीं करता, तो ये सिद्धांत वहीं तक लागू नहीं है, आपने भी कुछ पाना हो तो एक उपदेश संति ते ज्ञानम तत्वदर्शी न हो। अर्जुन श्री कृष्ण जी का संदेश है, अगर तुम कुछ जानना चाहते हो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्याम उपदेश संति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न। अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि देखो जी, अगर तुम्हारे अंदर में कोई ऐसी विचारधारणा हो कुछ जानने की, तो इसके लिए कम से कम उन तत्वज्ञानी संतों के पास जाओ जो तुम्हें उपदेश देकर यह ज्ञान देंगे। तो हो गया ना, विदाउट ए गाइडेंस ऑफ ए परफेक्ट मास्टर नोबडी कैन रिलीज एवर गेट रिलीज फ्रॉम दिस यूनिवर्सल बाउंडेज। हो गई ना जरूरी, एक संगत की, एक साधु के, एक संत की, एक गुरु की, वहाँ पर हम लोग जाकर के उनसे युक्ति की साधना ले, धर्म करें, साधना करें, भजन करें, ध्यान करें, यही इस दुनिया का एक अंतिम संदेश, अंतिम प्रतिफल है। इसी शब्दों के साथ लीजिए, हम्म।